वेलकम दोस्तों, कृषि जानकारी इंडिया में आप लोगों के स्वागत है। हम लोग जब मिर्चा लगाते हैं तो कुछ दिन बाद मिर्चा की एक डाल सुखा जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरा डाल सुखा जाते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा पेड़ सुखा जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा बारिश के सीजन में ये ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब कि इसमें फंगस लग जाता है जड़ में। तो जब जड़ में फंगस लग जाता है तो वो उसमें से क्या होता है कि आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी दवाई डालें, वो जो है ठीक नहीं हो पाते। इसके लिए एक बहुत अच्छा सरल तरीका है, आप लोग क्या करें कि जब भी पेड़ लगाएं, उससे पहले लगाने से पहले तूतिया जो है, जो आसानी से कहीं भी मिल जाएगा तूतिया, वो उसको आप क्या करेंगे, बुक्की बना के उस पेड़ की चारों कैती छोड़ के, रोए के छोड़ के, उसके बाद फिर आप जो है पेड़ लगाएं, तो आपके जो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। तो ना डाल सुखाएगा ना पेड़ सुखाएगा, ये फंगस आसान तरीके से स्थितिया, जिसको इंग्लिश में कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसको आप छोड़ेंगे तो पूरी तरह आप लोगों के ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। तो हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो देखे से आप लोगों की बहुत ही उपकार होगा, फ़ायदा होगा। तो और किस और लोगों के पास अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सके और लोगों के पास पहुंचने के बाद उन लोगों की भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद। जय हिंद।